और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास रेसिपी और वो है हमारे लिटिल मास्टर्स की फेवरेट डिश, बनाना पैनकेक। पैनकेक हम कई तरीके से बना सकते हैं। सिंपल पैनकेक भी बना सकते हैं, फ्रूट्स ऐड करके भी पैनकेक बना सकते हैं, और इसे और भी हेल्दी अगर आपको बनाना है तो आप गेहूं के आटे से और उसमें शुगर के बजाय ड्राई फ्रूट्स जैसे कि ये खजूर है या जो भी थोड़े से मीठे ड्राई फ्रूट्स है, या आप जैगरी से बना सकते हैं। सो गाइस, आज तो मैं सिंपल से ही बनाने वाली हूँ बनाना पैनकेक, यानी मैदे से और चीनी का यूज़ करूँगी। अगर आपको हेल्दी वाला चाहिए तो आप बताइएगा मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बनाकर डालूँगी। तो चलिए गाइस, बनाते हैं बनाना पैनकेक। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बनाना पैनकेक के लिए हमें चाहिए मैदा, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। घी, आप इसकी जगह ऑयल या बटर भी ले सकते हैं। शुगर, जैसा आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी इसमें ऐड कीजिएगा। और 2 केले, मैंने 2 केले के हिसाब से ही 1 केले में 1 बाउल का मेजरमेंट लिया है मैदे का। फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस और 1 पिंच सॉल्ट लिया मैंने, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है एंड 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। मैंने बनाना को छीलकर इसके छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे। मिक्सी जार में हम जो मैंने बनाना कट किया है वो मैं इसमें डालूँगी। इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें चीनी लूँगी, तो मैं 4 टीस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। ऑलरेडी बनाना काफ़ी मीठा है तो मैंने 4 चम्मच इसमें चीनी डाली है एंड बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून एंड 1 पिंच सॉल्ट और वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। और इसी में मैं 2 चम्मच घी ऐड करूँगी, घी डालूँगी। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर रेडी कर लिया है एकदम से। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम सारा बैटर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको इसमें मैदा डालना है। जब ये डो में अच्छे से अगर ये मिक्स हो जाता है उसके बाद आप ऊपर से और मैदा डालिएगा। अब ये मैदा अच्छे से मिक्स हो गया तो हम बचा हुआ मैदा भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसके बाद जो थोड़ा सा दूध बचाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका एक स्मूथ बैटर आपको बना लेना है। आप लोग इसे, ज़रूरी नहीं है कि घी से ही बनाएं, आप इसे बटर से या अनफ्लेवर्ड ऑयल से भी बना सकते हैं। तो हम दूध, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको हम अभी और थोड़ा सा लिक्विड में करेंगे, इसे थोड़ा सा और इसका स्मूथ डो बनाएंगे। थोड़ा सा ये थिक लग रहा है ये, तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और हमें पतली करनी है। आपको उसका एकदम स्मूथ डो बना लेना है, ना ही ज़्यादा ये थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए। जैसा आप पकौड़े के लिए बैटर बनाते हैं वैसे ही कंसिस्टेंसी आपको रखनी है इसकी। और ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप ज़रूरी, मैंने आज इसमें मैदा यूज़ किया है बट गाइस आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, आटे से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पैनकेक का। एग भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। अब हम पैनकेक बना, पहले मैं एक नॉन स्टिक पैन को घी से ग्रीस कर लूँगी अच्छे से।
अच्छे से इसे चारों तरफ ग्रीस कर लीजिएगा, बटर या ऑयल से भी आप इसे कर सकते हैं, बट मैं घी से बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यूज़ करें। इसके बाद हमारा पैन हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 बिग स्पून भर के हम ये बीच में से इस तरह से डाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। और ये 1 से 2 मिनट हमें मीडियम फ्लेम में इसे कवर करके रख देना है, जिससे कि ये स्टीम हो। इस तरह से हमें कवर कर देना है इसे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया, कितनी अच्छी जाली जाली सी बनकर एकदम आया है ये। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। और हम दूसरी साइड भी इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हो चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए इस साइड भी एकदम फ्लफी है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी एकदम। इसी तरीके से हम और भी पैनकेक रेडी कर लेते हैं। हम फिर से 1 स्पून बैटर डालेंगे इसमें पैनकेक का, हल्का सा स्प्रेड करेंगे राउंड शेप में और इसे फिर से हम मीडियम फ्लेम में ढक देंगे 2 मिनट के लिए। बनाना पैनकेक बनकर एकदम रेडी है और ये बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं एकदम, और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं, हर एक बच्चे की फेवरेट है ये। आप चाहें तो इसमें बनाना स्किप भी कर सकते हैं अगर बनाना आपको ना पसंद हो, बट बनाने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गाइस। और आप चाहें तो इसे प्लेन भी खा सकते हैं, और नहीं तो आप इसे चॉकलेट सिरप से या शुगर पाउडर से या फिर हनी से, हनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए एकदम रुई जैसा, और अच्छे से दोनों साइड बेक है ये। फ्रेंड्स अब हम इन्हें चोको स्प्रेड से स्प्रेड करेंगे, उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है, हर एक बच्चे को पसंद आता है चॉकलेट सिरप के साथ या स्प्रेड के साथ। सो गाइज आपको जैसा पसंद है वैसा आप ये खा सकते हैं। तो अब हम एक आपको चॉकलेट स्प्रेड करके भी दिखाती हूँ। एक पैनकेक को आप इस प्लेट में रख करके इसके ऊपर से आप चोको स्प्रेड कर दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, हर एक बच्चे को पसंद आता है ये। और आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। इसके ऊपर आप हल्की सी शुगर स्प्रिंकल कर दीजिए, चोको स्प्रेड पैनकेक एकदम रेडी है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। इस तरह से आप जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं। बच्चों को देना है तो स्माइली फेस करके, बच्चे देख के ही खुश हो जाएंगे आपके इस चोको स्प्रेड और प्लेन। सो गाइस पैनकेक बनकर रेडी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। दूसरी बात, आप ये कोई भी फ्रूट्स डाल के बना सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी भी है और बच्चे बड़े मन से ही खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है। आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके बनाते ही वो छट से सब ख़त्म कर डालेंगे। सो गाइस आप भी ट्राई कीजिए अपनी किचन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज़।